अब अगला इनाम है माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव भी जीत जाओ तो भी ठीक है, रोशन खुश हो जाएगी। और जीतने वाले कूपन का नंबर है 729874। और दूसरा प्राइज है टैबलेट। देखते हैं कौन होता है वो लकी विनर। और अब बस आखिरी दो इनाम बचे। पहला हनीमून पैकेज टू दुबई, और दूसरा चमचमाती न्यू कार। हनीमून पैकेज? नहीं नहीं, मुझे तो कार ही चाहिए। हाँ नहीं, अपने को तो कार ही चाहिए। बस हे भगवान प्लीज ये कार हमें जिता दो। हे भगवान ये बम्पर प्राइज हमें ही लगना चाहिए प्लीज। अभी तक एक भी गिफ्ट नहीं लगी है, मुझे तो सच में लग रहा है मेरे मोई पापा तो गाड़ी ही जीतेंगे। सोच लो फ्रेंड्स पहली बार ड्राइव पे कहाँ जाएंगे। चलिए तो देखते हैं किसको मिलता है हनीमून पैकेज टू दुबई। अंजलि अगर ये नाम भी मिल गया ना तो भी मुझे चलेगा, मस्त रोमांटिक ट्रिप पे जाएंगे। नहीं मुझे बम्पर प्राइज में कार ही चाहिए, रोमांटिक ड्राइव पे जाएंगे। और हनीमून पैकेज जीतने वाले का नंबर है 367890। कांग्रेचुलेशन। मुझे लगा, अरे मुझे लगा देखो 367890। चल 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 देखना है ना 367890। अरे मुझे लगा ये मेरा, मुझे लगा। पोपटलाल एक मिनट, क्या जीता है तुमने? अरे हनीमून पैकेज। तुम्हारी शादी हुई है? हाँ पोपटलाल हनीमून पे तो शादी के बाद जाते हैं ना, शादी के बिना तुम हनीमून पे जाओगे कैसे? अरे हाँ अकेले कंगना रनआउट की तरह, वो क्वीन तो ये किंग, चला किंग अकेले हनीमून मनाने। अरे सबसे बोलो जेठालाल ये अकेले हनीमून पे जाए मेरा दुश्मन, मैं जब भी जाऊंगा दुकेला जाऊंगा। तो भगवान आप हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं? रिक्वायरमेंट है पोपट भाऊजी को पूछते हैं ना, कूपन एक्सचेंज करे तो। नहीं 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 वो मुझे स्त्री चाहिए। स्त्री तो कहीं नहीं से। बस तो फिर जिस किसी ने भी ये हनीमून पैकेज जीता है वो अपनी वाइफ और अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर हमारी रामसंग कंपनी की कोई भी ब्रांच में आए और अपना इनाम ले जाए। लो बिक गए पांडे। अगर ये इनाम जीतने वाला कोई कुंवारा है या कुंवारी है तो फिक्र मत करिए, ये कूपन अगले एक साल तक वैलिड है। क्या बात है क्या बात है, बहुत बढ़िया कंपनी है रामसंग। पोपटलाल बच गए। यानी अगले एक साल में अगर आपने शादी कर ली तो आप इस हनीमून पैकेज का फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू एक ही साल है पोपट। अरे एक साल बहुत होता है, एक साल में तो मेरी शादी हो ही जाएगी। हाँ हाँ हो जाएगी पोपट भाई, और अगर ना हो तो कूपन हमें दे देना। तुम्हारी तो हो जाएगी एक साल में। अरे मेरी शादी भी हो ही जाएगी। अच्छा क्या अच्छा क्या तेरा मतलब क्या भिड़ा? नहीं अच्छा मतलब अच्छा है कि उन्होंने एक साल का टाइम दिया है। हाँ। तब तक तो तुम्हारी शादी हो ही जाएगी ना, ये ऊपर वाले का इशारा है ऐसा समझो। एक ही ना टॉप दी गल। तो ऐसा बोलना भाई। भगवान शादी की बाकी सब तैयारी तो मैं बरसों से करके बैठा हूँ और अब ये हनीमून पैकेज भी मिल गया। अब तो किसी सुंदर सुशील कन्या से मिलवा दो।
मिल जाएगी पोपट भाव जी, वो भी जल्दी मिल जाएगी। थैंक यू मासी भाभी। चलो चलो अभी बैठ जा भाई, अभी हो आखिरी बम्पर इन अलाउंस होगा। तो अब हमारे प्यारे कस्टमर्स अपना दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब सबकी धड़कने बढ़ने वाली है। अब वो घड़ी आ गई है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। तो आइए देखते हैं किसकी किस्मत में लिखा है हमारा बम्पर प्राइज, यानी कि एक नई नवेली कार। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात, जिस जिसने भी इनाम जीता है वो अपने कूपन और खरीदी हुई चीजों का बिल लेकर अपने नजदीकी डीलर के पास जाए और उसे जमा कराए। रामसंग कंपनी का एम्प्लॉई सभी डीलर्स के पास जाएगा, जीते हुए कूपन्स कलेक्ट करेगा और आप सभी के पास जल्द से जल्द सारे इनाम पहुंचाएगा। और खास ख्याल रखना, आपका जीता हुआ कूपन संभाल के रखना, क्योंकि अगर कूपन खो गया, खराब हो गया या फट गया तो आपको इनाम नहीं मिलेगा। कूपन पे लिखा हुआ नंबर साफ साफ दिखाई देना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल कूपन पे ही आपको इनाम मिलेगा। और हाँ, वो हनीमून पैकेज वाला कूपन 1 साल के अंदर अंदर आप हमारी ब्रांच ऑफिस में जमा कर सकते हैं और आपका इनाम ले सकते हैं। अरे वाह, 1 साल का टाइम है। लेकिन बाकी इनामों के लिए आपको अपने जीते हुए कूपॉन्स अगले 2 दिनों में डीलर्स के पास जमा कराने होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ वो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आइए देखते हैं किसकी किस्मत दिखाती है चमत्कार और कौन घर ले जाता है एक नई नवेली कार। और नंबर आना शुरू हो चुके हैं। हे भगवान, प्लीज 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 ये कार मुझे जिता दो। प्लीज भगवान, कार जिता दे। हाँ भगवान, अंजलि की सुन लो। हे भगवान, प्लीज ये कार हमें जिता दो। और पहला नंबर है 1। और गाड़ी के लिए बचा है सिर्फ 1 और नंबर। और लास्ट नंबर है। अयोध्या डीलर है। एक ही डिजिट बाकी था सिर्फ। एक मिनट। अरे इंटरनेट कनेक्शन चेक कर भाई। हाँ, इंटरनेट कनेक्शन तो ठीक है। ओ अच्छा। अरे तो फिर ये प्रॉब्लम क्यों हो गई? सही बात है। तेज तो नेम को तोड़ा बंद पड़ लो। शायद वेबसाइट में ही प्रॉब्लम है। एक मिनट। मुझे लग रहा है वहीं से कोई इशू हुआ होगा। तो मैनू लगता है सर्वर का इशू होगा।
ये लास्ट मिनट ही क्यों ऐसे होता है? अब कैसे पता चलेगा कि गाड़ी जीतने वाली कूपन का नंबर क्या है? मुझे पता चल गया है, ये सब रामसंग कंपनी वालों की चाल है। नहीं, किसी को गाड़ी नहीं देने वाले हैं। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये सारी स्कीमें फर्जी होती है, फर्जी। अरे क्या फर्जी होती है, तुमको तो इनाम मिला ना। अरे क्या मिला? हनीमून पैकेज, कार मिली। अरे पोपट भाई, कार कार होती है, 10 लाख की कार है, किसी को नहीं मिलेगी। अरे पोपट लाल, चलो गया। सॉरी, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से हमारा ट्रांसमिशन रुक गया था। पर अब कोई टेंशन नहीं, सही है, अब सब सही है। और अब बस कुछ ही देर में कार जीतने वाले कूपन का पूरा नंबर आ जाएगा, तो हमारे बम्पर प्राइज जीतने वाले कूपन का नंबर है 3-4 दिन में कार आ जाएगी ना? पक्का 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 आ जाएगी बबीता जी, पक्का। okay. आपका कूपन मुझे दे दीजिए, तो क्या है कि कल मैं कंपनी में जमा कर दूं। मैं उसका एक फोटोग्राफ ले लेती हूँ, क्या पता आगे जाके काम आए। फोटो लेके कोई फायदा नहीं है बबीता जी, क्योंकि इनाम तो ये असली कूपन के सामने ही मिलेगा। भाई मुझे दीजिए, आप चिंता मत कीजिए, मैं कूपन संभाल के रखूंगा। ये लीजिए। बिल भी लगेगा ना?
जीजा जी, मैं बिल अभी आपके घर पे आके देके जाती हूँ। नहीं, नहीं, आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं? मैं आता हूँ ना आपके घर पे लेने के लिए। नो नो, इट्स ओके, मैं आके देके जाती हूँ, इट्स ओके। पोपटलाल, अब तुम्हें विश्वास हुआ कि ये स्कीम फर्जी नहीं थी? आधा यकीन हुआ है, आधा बाकी है। आता वो कार आएगी बाद में होगा यकीन। करेक्ट। चलो लाओ अभी कूपन तो दो। अरे मैं अभी कूपन क्यों दूं? वो डॉली जी ने बोला ना कि इनाम के लिए बिल और कूपन के साथ मैरिज सर्टिफिकेट और पत्नी सबको रामसंग कंपनी में प्रस्तुत होना पड़ेगा, तो शादी के बाद मैं सारी कार्यवाही कर लूं। ठीक है भाई। हाँ जेठालाल, चार पांच दिन में हमें भी स्त्री मिल जाएगी ना? हाँ पक्का पक्का मिल जाएगी। ला कूपन दे। हाँ, नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली मैं कल उस एरिया में आने वाला हूँ आचार बाबड़ की डिलीवरी करने के लिए, तो मैं खुद लेता हुआ आऊंगा। ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। जेठे भाई, ये मेरा हाँ, ये बिल। हाँ, अरे वाह, थैंक यू। चार पांच दिन में मिल जाएगा ना भाई? हाँ, मिल जाएगा, मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा भाई। वाह वाह, एक बात तो कहनी पड़ेगी, जेठालाल मजा आ गया। अरे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी, वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस। सॉरी मेहता साहब, एक नंबर की वजह से कार आपको मिलते मिलते रह गई। कोई बात नहीं है जेठा, लेकिन आखिरकार वही हुआ जो तुम चाहते थे। क्या तुम यही चाहते थे ना कि कार गोकुल धाम वासियों में से कोई जीते? बिल्कुल बिल्कुल, मजा ही आ गया मेहता साहब। और सिर्फ कार ही नहीं, हमारे गोकुल धाम वासी और भी कितने सारे इनाम जीते। हाँ वो तो है जेठालाल, ये बबीता जी और अब्दुल के कूपन संभाल के रखना। हाँ 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 हाँ, मत करो, तुम खुद जानते हो कि तुम्हारी किस्मत तुमसे दो कदम आगे चलती है। अरे सुप सुप बोलिए मेहता साहब, क्यों टेंशन दे रहे हो? कल रात को आप ही मुझे ज्ञान दे रहे थे ना कि टेंशन के बारे में सोचो ही मत। अभी आप खुद ही टेंशन के बारे में सोच रहे हैं। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए मेहता साहब, ये बबीता जी और अब्दुल का कूपन है, इसको तो मैं अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगा। सॉरी सॉरी जेठालाल, मैं तो दोस्त होने के नाते बस सावधान कर रहा। चलो अंजलि ने बहुत टेस्टी सैलेड बनाया है, चल के खाते। जेठालाल, अरे कैसा दोस्त है यार भाई। वाह मजा आ गया, आखिरकार गोकुल धाम में बम्पर इनाम वाली कार आ ही गई। बबीता जी जीत गई कार, खुशियां मिले उन्हें बेशुमार, और बबीता जी की खुशी देखकर जेठालाल की खुशी तो सातवें आसमान पर है। आखिरकार वही हुआ जो वो चाहता था। भाई खुश तो पोपटलाल भी है, हनीमून पैकेज जो जीता है उसने। मैं मानता हूं कि उसकी शादी नहीं हुई, लेकिन एक साल का वक्त है, तब तक तो उसकी शादी हो ही जाएगी। अब देखना यह है कि बबीता जी इनाम तो जीत गई लेकिन उन्हें अब तक कार नहीं मिली, ऊपर से उन्होंने कूपन जेठालाल को दे दिया। जेठालाल ने बबीता जी को कार दिलाने की जिम्मेदारी तो ले ली, लेकिन वो भूल गया है कि उसकी किस्मत उसके साथ आंख में चोली खेलती है। जब जब उसने जिम्मेदारी उठाई है, तब तब वो मुसीबत में फंसा है। अब देखना यह है कि क्या बबीता जी को कार मिलती है, और अगर नहीं मिली तो बबीता जी क्या करेगी, जेठालाल क्या करेगा। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। तो देखना ना भूले तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।